अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरियम आपकी शेफ। मेरा चैनल है मरियम किचन 786। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है ढाबा स्टाइल कीमा। आए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको कैसे पकाना है। ये हमारा बीफ कीमा 750 ग्राम, 3 पाव यानी कि 3 पाव, ठीक है। और ये हमारे टमाटर है 1.5 पाव, प्याज है हमारा जो मैंने थोड़ा सा इतना बारीक भी नहीं काटा हुआ, ज्यादा मोटा भी नहीं काटा, ये है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। 200 ml हमारा ऑयल है, ये 1 चम्मच हमारा है गरम मसाला पिसा हुआ, धड़ा मिर्च है 1 चम्मच, ये कम से कम हमारा 1.5 चम्मच है धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा पिसा हुआ, ज़्यादा आपने इसको बारीक बिल्कुल नहीं काटना। ढाबा स्टाइल में ये जो हम खाने जाते हैं बाहर होटलों में, इसी तरह मोटे मोटे उन्होंने मसाले डाले हुए होते हैं, इसको बिल्कुल भी आपने बारीक नहीं। ये हल्दी पाउडर है हमारा 1 चम्मच, 1 चम्मच हमारा सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच हमारा सुर्ख मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच हमारा नमक है, 2 चम्मच हमारी सब्ज मिर्ची है, 1.5 चम्मच हमारा अदरक है चॉप किया हुआ बारीक बारीक, और 2 चम्मच हमारा लहसुन है वो भी इसी तरह चॉप करना। देखे मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये फिर फ्लेम ऑन किया, इसमें आपने 1 गिलास पानी डालना है और साथ ही मैंने इसके कीमा, जैसे हमारा कीमा गर्म होगा इसमें हम लहसुन और अदरक जो चॉप किया हुआ वो आपने डालना है। ये देखें इसको मैं पानी में इसको गला रही हूँ, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है ढाबा स्टाइल हमारा कीमा। अक्सर लोग समझते कि ये पता नहीं यार कितना मुश्किल है, भाई आप होटलों में आप ढाबों में खाने के लिए जाते हैं, मगर आप घर में बनाएं, ये घर में सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं और ये बड़ी तेज़ी से बनेगा। और आपने इसको तेज़ फ्लेम में पकाना है, 2 मरतबा ये बीफ कीमा हमारा 2 मरतबा ये निकाला हुआ मशीन से, ज़्यादा बारीक है, ये जल्दी से पकने वाला है माशाल्लाह से। देखें आप, ये देखें हमारा जो कीमा उबलना शुरू हो गया है। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर डालना नमक, नमक गला देता है हर चीज़ को, नमक 1 चम्मच और दूसरा लहसुन जो चॉप किया हुआ 2 चम्मच और अदरक है हमारा 1.5 चम्मच, ये सबसे पहले हमने इसमें डालना है, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म होगी तो दूसरा ये साथ ही इसके साथ गल जाएगा कीमे के साथ ही, ठीक है। अभी इसको ज़रा हम कम अज़ कम 5 मिनट इसको पकने दें। ढाबों पर हम जाते हैं उन्होंने पहले कीमा उबाल के ये सारे इंतज़ाम करके रखे होते हैं उन्होंने, जब जैसे हम खाने के लिए बैठते हैं वो बीच में नमक मिर्च और ऑयल डाल के पका के ले आते हैं। और जब देखें 5 मिनट हो गए हमारे कीमा पकते हुए, पानी भी काफ़ी इसमें हद तक ख़त्म हो चुका है, पानी थोड़ा बहुत इसमें है भी, ज़्यादा नहीं हमारा ख़त्म हुआ। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, 1 चम्मच हमारा हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच, ये हमारी धड़ा मिर्च है और 1 चम्मच हमारा पाउडर है सिर्फ मिर्च पाउडर, ठीक है। ये आपने सब डाल के इसको हिलाना, अब इसमें पानी है, अब इसको पानी जैसे हमने ड्राई होने लगेगा फिर इसमें हम डालेंगे प्याज और टमाटर, अब इसमें पानी है क्योंकि उन्होंने अपना पानी भी छोड़ना। ये जो हमारी चीज़ें हम दिखा ये फिर इसको अभी कम अज़ कम 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे, उसके बाद क्या लगेगा। ये 2 मिनट हमारे हो गए, देखिए मैं पूरा एग्जैक्ट टाइम आपको बताती हूँ। अब इसमें पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, आपने जब तक इसमें प्याज नहीं डाले जब तक ये पूरी तरह पानी इसका ना ड्राई हो चुका, क्यों प्याज अपना भी पानी छोड़ते हैं। ढाबा स्टाइल कीमा यही है कि उसमें टमाटर और प्याज हमें थोड़ा सा वाजिया नज़र आए, अगर इन्हीं को हम मेल्ट कर देंगे तो वो तो बिल्कुल सालन बन गया ना कीमा, जैसे सादा कीमा पका हुआ, हमें ये चीज़ें वाजिया नज़र आनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी ये हमारा 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये हमें नज़र आएगा, टेस्ट भी आए और साबुत चीज़ें भी हमें फील हो, ठीक है खाने में। ये हमारे टमाटर है ये मैं साथ इसमें डाल दिए, जैसे अभी थोड़ा सा ये पकेंगे, अक्सर लोग जो बम्बई जाते हैं ना ढाबे पे वो तवे पे उन्होंने पका रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे घर में तवा नहीं है तो हमने ये रेसिपी नहीं बनानी, घर में बन सकती है। आप देखें मैं कढ़ाई में पका रही हूँ, नॉन स्टिक में पका रही हूँ, ताकि आप देखें आपके घर में माशाल्लाह होंगे बर्तन, सबसे घरों में हैं बर्तन और आप पका सकते हैं, नॉन स्टिक फ्राई नहीं है तो आप सिल्वर स्टील के बर्तन में पका सकते हैं, तांबे में पका सकते हैं, पीतल में पका सकते हैं, बस आप पकाने वाले बने, आपने घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास चीज़ें नहीं तो ये पकेगा नहीं, पकेगा ज़रूर पकेगा। ये देखें बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, अभी प्याज हमारा पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जैसे वो ड्राई होगा फिर हमने इसमें ऑयल डालना है और आखिर में डालेंगे हम सब्ज मिर्च। ये 5 मिनट के लिए इसको हमने ढक दिया, 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया। अब 5 मिनट बाद मैं फिर देखने लगी हूँ कीमे को किस हालत में आ गया, माशाल्लाह से देखें
बिल्कुल जबरदस्त हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी अपना ऑयल, ये देखें अब इसमें ऑयल डालने लगे, इसकी हमने भुनाई कर ली है। इसको अब ही ऑयल हमारा था 200 ml, इसको हमने अब हमने इसको रेगुलर इसको चम्मच हमने अपना रोकना नहीं है, इसको तेज आंच में फटाफट जल्दी से हमने पकाना। और जैसे इसकी थोड़ी सी भुनाई होगी फिर इसमें जीरा और वो मैंने रखा हुआ गर्म मसाला लास्ट में वो डालेंगे सब मिर्च के। ठीक है अब हमारी इसकी भुनाई शुरू है, तेज तेज हमने इसको पकाना है। ठीक है आपने भी इसी तरह करना अपने घर में माशाल्लाह से। ये ढाबा स्टाइल हमारा कीमा ये टका टका आपने ऐसे ही इसको करना है, ये देखें ताकि इसका पानी भी जज़ब हो जाए, ये पक भी जाए। ये 5 मिनट आपने इसको ऐसे से करना ताकि इसका अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाए। जो भी है बुनाई होती है ये कीमे की, प्याज भी देखें नज़र आ रहा है, टमाटर भी नज़र आ रहे हैं। अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें मिर्ची, मिर्ची में थोड़ी सी कमी रख रही हूँ क्योंकि ये खाना ऑर्डर का है, बच्चे बैठ के काम करते हैं ऑफिस में वो कहते हैं आंटी मिर्ची ना ज़्यादा डाला करो, इस वजह से मुझे इससे कम डालनी पड़ रही है। ये हमारा सच्चा है जीरा, ये मोटा है, इसको आपने ऐसे हाथों से मसल कर आपने इसमें डालना है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ठीक है ढाबा स्टाइल कीमा आपने पकाना भी है, मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आंटी ये क्या आपने बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है ये लास्ट में हमारा गर्म मसाला है, ये हमने डाल दिया। ठीक है अब 1 या 2 मिनट मैंने इसकी बनाई करके इसको बंद कर रहे हैं, देखें इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, ऑयल जो है वो जज़ब हो चुका है, आपने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ये खाया नहीं जाता। 1 से 2 मिनट की हमारी बनाई, इसके बाद हमारा प्लेट ऑफ और हमारा ढाबा स्टाइल कीमा तैयार। आपने मुझे लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करें। आंटी को मैं आपकी आपका कुछ नहीं जाएगा बेटे, बटन एक लाइक का बटन दबाने में सब्सक्राइब करने में। ठीक है मेरी भी हौसला अफजाई होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं ये आंटी है हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लेके आ रही है हर वीडियो में। ये देखें माशाल्लाह 1 से 2 मिनट और हमारा फ्लेम ऑफ करेंगे फिर देखें दिखाती हूँ मैं आपको ये हमारा ढाबा स्टाइल कीमा कैसा तैयार हुआ। ये देखें अब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सब्जी। आपने इसको चक्कर चला के ये हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, A to Z हमारा प्याज टमाटर हर चीज़ वाजिया हो रही है नज़र आ रही है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको हमारा ढाबा स्टाइल कीमा तैयार है। आपने मुझे दुआ में भी याद रखना है, आपकी शेफ़ मरियम।